वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत का जो भारत महिमा पाठ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इसमें, 25-26 ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, इसमें संस्कृत और हिंदी का जो मिक्स होगा व्याकरण का, उसका हम ले लिए। जैसे होगी आपको संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची शब्द दोनों में पूछा जाता है, इसलिए कॉमन हम ले लिए, ठीक है। व्याकरण भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आज से हम व्याकरण भी स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कौन सा श्लोक, द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, वामन पुराण से, वायु पुराण से। तो भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है किस पुराण से लिया गया है, तो वो क्या कहते हैं, भागवत पुराण से लिया गया। किस पुराण से, भागवत पुराण से। लेकिन अगर आपको पूछेगा प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया, तो प्रथम श्लोक जो है वो किससे लिया गया, विष्णु पुराण से लिया गया, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, पहला किससे हो गया, विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक जो लिया गया वो किससे लिया गया, तो भागवत पुराण से। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्या कहते हैं, हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई, यानी भारत में जो जन्म लेता है उसका जो तुलना किया गया है किससे किया गया, दानव से, देवता से, पशु से, नेता से। तो भारत भूमि पर जो जन्म लेते हैं उसकी तुलना किससे किया गया है, तो देवता से किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवता। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं, दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग, देवता लोग। तो भारत भूमि का गान कौन करते हैं, देवता लोग करते हैं, देवतागण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवतागण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, कालिदास, महर्षि वेदव्यास, विदुरा, वाल्मीकि। तो भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है, महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बनाते रहते हैं और आंसर मान लीजिए सर्वत्र होता है, हम बोलते हैं सही है, कभी कभार क्या होता है ऐसे चला जाता है, दूसरे ऑप्शन पे हम घेर देते हैं, ठीक है। वो कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है, तो वो जो बोलते हैं वही सही रहता है, ठीक है। जैसे कल हुआ था ATM का, सबसे पहले कौन ATM बनाया था सबसे पहले, तो वहाँ हम क्या किए थे, वहाँ होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो हम बोले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन क्या हुआ, मिस्टेक से चला गया क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ATM जारी करने वाला पहला बैंक, ठीक है। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, मंदिर में, सर्वत्र, एकत्र, प्राचीन। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है, मतलब सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है, गंगा, हिमालय, सागर, मंत्री। तो प्रहरी की तरह जो विराजमान है उत्तर में कौन है, हिमालय। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है कि हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, क्षेत्र, भारत, छात्र, युद्ध। तो हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है, भारत सदा पूजनीय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। आसान से आसान और भारी से भारी जो भी इस चैप्टर में था सारा क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से भी सारा क्वेश्चन ले लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला जो भी पूछा गया। आठ नंबर क्वेश्चन है कि देवगण क्या गाते हैं, गीता, रामायण, महाभारत, गीत। देखिए ऑप्शन ए में गीता दिया हुआ, ऐसा नहीं आप जल्दी में गीता में ही टिक नहीं मार दीजिएगा। तो देवगण क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऐसा नहीं कि ए मारिएगा, ए में गीता है, ठीक है, लेकिन देवतागण क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करता है, या किनकी एक साथ होगा, किनकी सेवा करते हैं, दानव, मानव, पशु, श्री हरि। तो भारत में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है वो किसकी सेवा करते हैं, तो श्री हरि की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दस नंबर क्वेश्चन है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में। तो भगवान जो है कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता गाते हैं, भारतवर्ष, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। किसके गीत देवता लोग गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतवर्ष। 12 नंबर क्वेश्चन है, गायंती देवा डैश पुरुष रुत्वात किस पाठ से लिया गया, संस्कारा, मंगलम, भारत महिमा, दयानंद। तो ये जो पंक्ति है ये किस पाठ से लिया गया, तो भारत महिमा पाठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, भारत, श्रीलंका, चीन, इराक। तो मोक्ष प्रदान करने वाली कौन भूमि है, तो भारत भूमि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पुराण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, चाणक्य। तो पुराण के जो रचनाकार होंगे कौन होंगे, वेदव्यास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, 4, 6, 5, 7। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है, कितने पद है, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, गारंटी देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर गिरजानंद मिश्र। तो आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, उमाशंकर मिश्र है। कौन है, उमाशंकर मिश्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, अनेकता, एकता, शत्रुवत, मूर्खवत। तो यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, तो एकता के भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, वन भूमि, जल, भारत भूमि, अमेरिका। तो कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो क्या कहते हैं, भारत भूमि है। कौन है, भारत भूमि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अयम निर्मला वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है, भारत महिमा, नीति श्लोक, शास्त्र कारा, मंगलम। तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है भारत महिमा पाठ से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, अपकार, आदर्श, अनादर्श, घमंड। तो हम लोगों की जो देशभक्ति है वो कैसी होनी चाहिए, तो आदर्श होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुराण कितने हैं, 10, 11, 18, 15। तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में। किस में, भारत देश में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ग वर्गास्पद मार्गे भूते किस देश को कहा गया, भारतवर्ष को, जापान को, यूनान को, श्रीलंका को। तो इसका मतलब हुआ कि जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है वो कौन है, तो वो भारतवर्ष है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सदा डैश सागरे समरूपा रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, तो सदा डैश सागरे समरूपा तो सेविता। क्या हो जाएगा, सेविता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है, तो ईश्वर प्रसन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है
कि गायंती देवा डैश पुरुषा श्रुत्वात यह पद किस पुराण से उद्धृत है? नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण। तो ये वाक्य जो लिया गया किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है, विशाल, निर्मला, वत्सला, ए और बी सी, दो तीनों। तो भारत भूमि कैसी है, विशाल भी है, निर्मल भी है और वत्सला भी है। क्या आ जाएगा, ए बी सी तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण। तो प्रथम श्लोक जो है वो किस से है, तो विष्णु पुराण से। किससे है, विष्णु पुराण से। लेकिन द्वितीय श्लोक के बारे में पूछेगा तो वो किससे हो जाएगा, भागवत पुराण से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब व्याकरण में चलते हैं। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब व्याकरण पाठ। देखिए पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। घोटक, घोड़ा, घोटक, कटक है। तो अश्व का मतलब क्या होगा, किसका पर्यायवाची है, तो घोड़ा का है। तो घोड़ा तो होगा ही इसका पर्यायवाची, घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन कटक जो है ये क्या है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कटक। चलिए अश्व का और पर्यायवाची शब्द देख लेते। देखिए अश्व का आपको जो याद करना है, अश्व का अन्य पर्यायवाची तुरंग याद करना है, घोड़ा याद करना है, घोटक याद करना है, हरी तुरंग है। तो क्या सब हो गया अश्व का पर्यायवाची, बोलिए, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी तुरंग है। तुरंग दो बार आ गया, कोई बात नहीं, एक बार खंडा दिए। तो तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी और है, याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो पर्यायवाची शब्द लिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा सही है, सलील, सलील, सलील। देखिए सौ लौद्रगी का लौ है, सालील है, सौ लौहर्षि का लौ है, सलाल। तो जल का जो पर्यायवाची होता है वो सलील होता है, तो यहाँ सालील नहीं होगा और सलाल नहीं होगा। अभी सौ लौद्रगी का होगा या लौहर्षि का होगा, ये देखिए, तो सलील में ये सलील होगा। ठीक है, सौ लौहर्षि का लौ सलील, ये होता है जल का पर्यायवाची सलील में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और जल का कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल का जो और अन्य पर्यायवाची जिसको आपको याद रखना है वो पानी हो जाएगा, नीर याद रखना है, वारी याद रखना है, और उसके बाद सलील याद रखना है, तोय, उदक, अंबु, पय, अमृत, इतना याद रखना है, जीवन भी याद रखना है। ठीक है, ये मेघ पुष्प नहीं याद रखना है, जितना लिखा है वो याद करना है, पानी, नीर, वारी, सलील, तोय, उदक, अंबु, जीवन, अमृत, पे, ये इतना याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये दो पर्यायवाची डेली बताएंगे, जब संस्कृत का वीडियो लेके आएंगे और जब क्या कहते हैं हिंदी का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, दो दो पर्यायवाची आपको देंगे, याद करते जाइए, ज़्यादा दे देंगे फिर आपको याद नहीं होगा। ठीक है, वैसे का वैसे रखा रह जाएगा। ठीक है, दो दो सिर्फ याद कीजिए जब वीडियो आएगा। अब थोड़ा संधि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है संधि विषय, संस्कृत में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो संधि देखिए, संधि बनता सम प्लस धी से। ठीक है, सम प्लस धी से मिलके क्या हो जाएगा, संधि बनेगा। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक दो शब्दों का जोड़ होता है, मेल होता है। क्या होता है, दो शब्दों मिलके एक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो उसी को कहता है मेल या जोड़ा होता है। क्या इस संधि का क्या अर्थ होता है, मेल और जोड़ा इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए आगे है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, दो परस्पर जो निकटवर्ती होता है वर्ण उसके मेल से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, आपको पूछेगा संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के प्रकार तीन होते हैं, कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने प्रकार हो गए, तीन प्रकार, कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते स्वर संधि। स्वर संधि है कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनसे जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। मतलब स्वर संधि में क्या होगा, स्वर से स्वर का मेल होगा। क्या होगा, स्वर से स्वर का मेल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे राम प्लस आधार, राम में क्या आ गया, ओ आ गया प्लस आ, तो ओ और आ के मिल के क्या बन गया, आ, तो राम आधार हो गया, राम प्लस आधार क्या हो गया, राम आधार। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पे चलते, व्यंजन संधि पे।
तो व्यंजन संधि में क्या होता, उसमें क्या होता, स्वर स्वर का मिलन हुआ था। लेकिन यहाँ हो जाएगा जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर, या तो व्यंजन के साथ स्वर होगा या दोनों व्यंजन होगा, या तो एक व्यंजन एक स्वर होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा, या व्यंजन व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि होगा, ठीक है। लेकिन दो स्वर होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। कब, जब व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए अब विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग संधि कहता है कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा को छोड़ दीजिए, आप देखिएगा विसर्ग लगा रहेगा, हर जिसमें भी विसर्ग लगा रहेगा वह विसर्ग संधि हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डेफिनेशन पूछ दिया, ठीक है, तो उसके लिए आप याद रखिएगा, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तब जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, क्लियर। जैसे मन प्लस बल क्या हो गया, मनोबल हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ संधि विच्छेद याद करना पड़ेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता संधि विच्छेद, ठीक है। जैसे मन प्लस बल बोलेगा किसका संधि विच्छेद, मनोबल का, जैसे दे देगा उदाहरण। चलिए आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इति प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही संधि विच्छेद है, इति प्लस आदि हो, क्या हो जाता है, इत्यादि हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सबको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, पीडीएफ लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अपने कॉपी पे अगर आप नोट कीजिएगा तो ज्यादा याद होगा, ठीक है। दो नंबर है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, निर प्लस अर्थक, नी प्लस अर्थक, नी प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक। तो निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, नी प्लस अर्थक, नौरसी का विसर्ग प्लस अर्थक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नी प्लस अर्थक, राइट संधि विच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिए, ठीक है। ज्यादा आपसे याद नहीं करवाएंगे, जो याद करवाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि निराशा का सही संधि विच्छेद है, निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा, निरह प्लस आशा। तो निराशा का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, निह प्लस आशा होता है, क्या होता है, नौरसी का विसर्ग प्लस आशा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निराशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, आशीर प्लस वाद, आशीर प्लस वाद, आशीर प्लस वाद, इनमें से कोई नहीं। तो आशीर्वाद का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, आशी प्लस वाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। पांच नंबर क्वेश्चन है कि महेश का संधि विच्छेद है, महा प्लस इस, महा प्लस इस, मही प्लस इस, मही प्लस इस, इसमें कि कुछ नहीं अंतर रहेगा, खाली हर्षी का दीर्घिकार में आपको कंफ्यूजन करेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा महा प्लस इस, ये इसका सही संधि विच्छेद है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद है, निह जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल, निह जोड़ छल, ठीक है। तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, नी प्लस छल, निश्चल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, सप्तर प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो सप्तऋषि का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद है, पव प्लस इत्र, पव प्लस इत्र, पी प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या हो जाता है, पो जोड़ इत्र, क्या होता है, पो प्लस इत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस अक, प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक का जो होता है संधि विच्छेद ऐसे होता है, प्रति प्लस एक, ठीक है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति प्लस एक, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर डेली टेस्ट होता है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए टेस्ट देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।